गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत देख सकते हो आप लोग, इस तरह की लोकेशन से हो रही है। तो जिसने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो उनको तो पता चल ही होगा कि मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ। तो जिसने नहीं देखे तो उनको मैं बता दूँ कि मैं अभी फ़िलहाल घर पर हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत बिल्कुल अपने गाँव से हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रामपुर, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अपना रोड था बिल्कुल मेटल हो गया है। तो देख सकते हो आप, बढ़िया, मतलब एकदम इसमें सीमेंट पड़ गया है किस तरह से। तो अभी मेरे साथ है जो कैमरे के बिल्कुल पीछे है, जिसने कैमरा होल्ड किया है, तो उनका नाम है मिस्टर सौरभ सिंह जी। तो इनसे आपको थोड़ी देर में मिलाएंगे हम अभी। तो सबसे पहले जो है यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, और अभी निकालते हैं और निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो आप लोग जो है व्लॉग में बने रहें और सपोर्ट दिखाते रहें अपना अपना, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को जो है ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब यार। दोस्तों एक बार जो है आपको माता धनेश्वरी के बिल्कुल हम लोग दर्शन करवा देते हैं सुबह सुबह। तो जय हो धनेश्वरी माता। तो इसी के साथ जो है अपना व्लॉग शुरुआत करते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ दोस्तों। सो फिलहाल हम लोग बिल्कुल निकल चुके हैं एकदम टॉप गियर में, और जो मेरे साथ है इनके दर्शन भी बहुत ज़रूरी है आपको। तो मेरे साथ है मिस्टर सौरभ। तो दोस्तों फिलहाल देख सकते हो आप लोग, हम लोग जो है बिल्कुल रामपुर बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग जो है, हमें अभी ओल्ड बस स्टैंड में, तो ओल्ड बस स्टैंड के कुछ इस तरह के नज़ारे हैं सुबह सुबह के। तो मिस्टर सौरभ ये भी हमारे साथ थे आज। तो अभी हम लोग जो है आरसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना है सेंटर तक। तो करते हैं वेट और जाते हैं सेंटर। दोस्तों फिलहाल हम लोग सेंटर से बिल्कुल फ्री हो गए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। साथ में अपना आरसी ड्रोन भी मिल गया है हमारे को। फिलहाल हमने अपनी धन्नो जो है पार्क कर ली थी, तो देख सकते हो आप कुछ इस तरह से, तो हमारे को यहाँ पे पार्किंग मिली थी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट। आप लोग जो है देख सकते हो लवी का रश। तो हम लोग जो है एक बार फिर से जाम में लग चुके हैं। तो अभी भी जो है रामपुर में लवी मेला बिल्कुल चल रहा है। तो अब तो एक दो दिन लास्ट रहे हैं, उसके बाद ये सब लोग जो है उठ जाएंगे। फिलहाल देख सकते हो आप बीच बीच में इधर जो है उठना शुरू हो गए हैं लोग। तो ये दुकानें जब उठ जाएगी तब ये जो जाम जूम लग रहा है यहाँ पे, तो उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। ये इसी की वजह से है जाम। तरह के नज़ारे दोस्तों रामपुर शहर के। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है गाड़ी ले जाना, क्योंकि लोग जो है वो तो बिल्कुल साइड नहीं होते हैं, तो लोग बिल्कुल रोड में आके चल रहे हैं बीच में। तो इसीलिए जो है सारी गाड़ियां बिल्कुल आराम आराम से निकल रही है। तो लोगों से इतनी रिक्वेस्ट रहेगी यार, जब आप लोग रोड में चलते हो तो थोड़ा सा साइड हट जाया करो, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती है फिर आप ड्राइवर को बोलते हो, गाड़ी वाले को, कि आपने गलती की। खुद जो है आप लोग बिल्कुल सेंटर में चल रहे होते हो, तो इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ चलना है कहाँ नहीं। गाड़ी अभी चल रही है साथ साथ में, तो थोड़ा सा स्पेस बना के चला करें यार प्लीज़।
दोस्तों यहाँ से जो है हमारे को अभी लेफ्ट लेना है क्योंकि हम लोग जाएंगे अभी बस स्टैंड से होके चाटी की तरफ, क्योंकि आजकल जो है इन्होंने परे से रोड बंद किया है क्योंकि लवी मेला, जैसे कि आपको बताया हमने लवी मेला है। तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर है यार, तो उसमें जो है गाड़ी हर बार ही टच हो जाती है मेरी, तो देखते हैं अभी इस तरह से निकालता हूँ मैं गाड़ी यहाँ से। तो फिलहाल हम लोग वर्कशॉप पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमेशा की तरह ही मतलब यही जाम ऐसा ही लगा होता है क्योंकि यहाँ पे हर जगह देख सकते हो आप बसें ही बसें हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है यार। फिलहाल हम लोग रामपुर बस स्टैंड में, तो इस तरह का बस स्टैंड है कुछ रामपुर का, देख सकते हो आप इस तरह से यहाँ पे बसेस लगी है। तो दोस्तों फिलहाल हम लोगों ने जो है गाड़ी बिल्कुल पार्क कर ली है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज की तरफ, तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इधर से जो है लगभग सारी दुकानें उठी गई है, तो यहाँ पे कूड़ा देख सकते हो आप एक बार, तो मतलब मोटा ही कूड़ा फैलाया है बंदों ने, तो ग्राउंड का कुछ इस तरह का हाल है, तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से अब उठने वाली है। दोस्तों फिलहाल हम लोग बिल्कुल कॉलेज पहुंच चुके हैं और हमारे ब्रामटा जी हमारे बीच, तो कॉलेज का माहौल कुछ इस तरह का है। तो ब्रामटा जी के जूते देख सकते हो आप दोस्तों, तो आज ब्रामटा जी कुछ इस तरह की लुक में आए हमारे बीच, तो ब्रामटा जी की लुक तो दोस्तों फिलहाल जो है अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ सामान था घर से मम्मी ने भेजा हुआ तो वापस करना था यार, तो अभी मम्मी मैं भूल गया था इस चीज़ को वापस करना, क्योंकि मम्मी ने सुबह बोला था कि जैसे ही पहुँचेगा तो वैसे ही करा लियो इस चीज़ को, ठीक है, तो मैं वो चीज़ भूल गया और अब मैं फिर से जा रहा हूँ परे तक जा रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हो आप लोग, जबकि इधर से जो है वन वे किया था, तो बंदा देख सकते हो आप सरकारी बंदा है क्योंकि ड्यूटी वाला बंदा है, तो ये रॉन्ग आ रहा है बिल्कुल ही, तो इसकी वजह से जो है पूरी पब्लिक को बिल्कुल परेशान होना पड़ रहा है देख सकते हो आप, तो ये भाई सरकारी गाड़ियाँ क्या ही कर सकते हैं आप। सो गाइस फिलहाल जो है मैं बिल्कुल चाटी में पहुँच चुका हूँ और मेरे साथ है पंकज और अपने ब्रामटा जी, बिल्कुल एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, अभी मैंने गाड़ी भी बिल्कुल पार्क कर ली है चाटी में। तो आज के जो व्लॉग है, आज के व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, तो आई होप आप सब लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। ये व्लॉग आप सब लोगों को अच्छा लगा तो एक बार व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्लॉग को यार शेयर करो आप, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट रहेगी, और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।